आने वाली वीडियो में स्टंट एक प्रोफेशनल ने करे हैं, कृपया आप ये घर में ना दोहराइए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ वीडियो लाइक दिस। ये वीडियो मैंने बनाई कैसे, ये आई यूज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड अडोब प्रीमियर प्रो। और फिर आपको ये वीडियो बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सो लेट्स गो टू अडोब प्रीमियर प्रो एंड आई विल शो यू आपको क्या करना है। सो वी हैव ओपनड प्रीमियर प्रो इन अ लैपटॉप। दिस इज द वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी। तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ा। आई हैड टू मेक अ वीडियो, सिंगल वीडियो, आई हैव टू मेक अ सिंगल वीडियो, वो थी ये। द एक्चुअल वीडियो इज दिस, मी सिटिंग ऑन अ स्टूल। और ये स्टूल मैंने गायब कैसे करा ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपनी ये वीडियो शूट करी थी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्टूल और चेयर, कुछ भी चाहिए वो रखना है बीच में। जैसे मैंने परफॉर्म करा है आपको वैसे आना है। यू हैव टू सी कहाँ बैठना है आपको, बहुत ध्यान से बैठना वरना गिरोगे मेरी तरह। फिर देन जैसे मैं यहाँ से स्टूल, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं स्टूल लेके भागा हूँ, फ्रेम खाली कर देना आपको पूरा। आपको फ्रेम में आपको ना स्टूल हो गए, ना आप होंगे, ना फिर कोई ऐसी चीज़ें जो मूव कर रही थी, ठीक है, कुछ भी नहीं। स्टैटिक शॉट एक ले लेना आपको बस। देन आपको अडोब प्रीमियर प्रो में करना क्या है, आपको ये स्टैटिक शॉट जो एंडिंग का है इसे कट कर लेना है, इसे कट करके अलग रख लेना है। इसे अलग रखने के बाद यू हैव टू गो एंड राइट क्लिक ऑन इट, एड फ्रेम होल्ड। अब आप देख सकते हैं आप इसे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। सी फ्रेम होल्ड से क्या होगा, लाइक जो इस वीडियो में एक वीडियो में 24 फ्रेम्स होते हैं, 24 फ्रेम्स की वीडियो है मेरी। डिपेंड्स करता है आपने कौन से फ्रेम में शूट करी है, मैंने 24 फ्रेम्स में करी है। तो इस फ्रेम एक वीडियो में मेरे 24 फ्रेम्स हैं, उस 24 फ्रेम में से मैंने एक फ्रेम लिया है स्टार्टिंग का, मेरे जो फ्रेम है उसे मैंने पॉज कर दिया है, फ्रेम मैंने होल्ड पे लगा दिया है। तो अब मैं उस वीडियो को कितना भी स्ट्रेच करूँ वो फ्रेम स्ट्रेच होगा, वीडियो गई वो, बस फ्रेम बचा है, उस फ्रेम को स्ट्रेच करेंगे, इस लाइक इमेज बन गई है। तो आपने ये कर लेना है, ये आपका सबसे नीचे रहेगा, सबसे नीचे मतलब V1 में। फिर जो आपकी रिमेनिंग वीडियो है वो आप ऊपर ले आएंगे इसके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम, ये स्टूल कैसे रिमूव करें, हाउ टू रिमूव द स्टूल। तो हम इसे मास्किंग के थ्रू रिमूव करेंगे। यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस, गो टू इफेक्ट कंट्रोल्स, फिर आपको यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी मास्किंग ओपेसिटी में, यू विल गेट दिस पेन वाला आप देख रहे हैं पेंसिल। तो मैं अब यहाँ से मास्किंग स्टार्ट करूँगा। जब आपकी मास्किंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इफेक्ट कंट्रोल में फिर से आना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन्वर्टेड, इसे चेक कर देना है। देन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं
स्टूल का है। अब आपको फ्रेम बाय फ्रेम आपको स्टूल के साथ मास्क को लेके जाना है फ्रेम बाय फ्रेम। सो आप देख सकते हैं मास्क मैंने यहीं तक ली थी वीडियो। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू वॉच मी फॉल, तो मैं ये पार्ट डिलीट कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टूल दिख रहा है, तो इसमें आप वापस जाएंगे अपनी वीडियो पे, कंट्रोल या मास्क, आप यहाँ अपने मास्क फेदर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, सॉरी डिक्रीज करेंगे, अपना मास्क फेदर आपको यहाँ पे डिक्रीज करना है 0। इसके साथ वी विल एड कलरिंग टू इट, कलर्स टू इट, ताकि ये पूरी तरह डिसअपीयर हो जाए। सी अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जो मैंने करा है अपनी वीडियो में वो था आई एडेड स्लो मो इफेक्ट। स्लो मो इफेक्ट मैंने एग्जैक्टली कहाँ पे डाला, जब मैं बैठने वाला था, जब मैं बैठ गया, सी एग्जैक्टली हियर, तो यू हैव टू मेक अ कट ओवर हियर, और यहाँ से आपको स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाना है। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक 50% मैंने कर दिया। ओके एक्सटेंड दिस, सी दैट इज़ हाउ यू मेक योर सेल्फ स्लो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये पहली बार, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था डॉपी में प्रो में, तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो माफ़ भी कर देना। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब आपने अगर तक नहीं करा है तो पक्का करना। टिल देन, सी या।